नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पांडे आप सभी का अर्चंद्रा इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने 10 सवाल रीजनिंग के लगवाए थे मिसिंग नंबर के। आज पहला सवाल है कि यदि गो को उसने 32 लिखा है, गो को उसने 32 लिखा है, सी को उसने 49 लिखा है, कह रहा है सम यस ओ एम ई को क्या लिखेगा। तो भाई सभी का देखो क्रमांकिक मान होता है, ए बी सी डी से लेकर सभी का क्रमांकिक मान होता है। जैसे ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, ऐसे ऐसे सभी जेड तक, जेड का होता है 26, ऐसे सभी का अपना एक क्रमांकित मान होता है। उसके बाद जैसे एक नियम इसमें और भी लगते हैं कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। कभी कभी वर्णमाला में उल्टे यानी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेते हैं। जैसे अब कोई पूछा जेड का तो जेड का ए हो जाएगा, Y का पूछा B हो जाएगा। ठीक, कुछ ट्रिक भी हैं वो किसी दिन स्पेशल क्लास में हम आपको बता देंगे। उसके बाद अब इसमें देखें, G का होता है 7, O का होता है 15। ठीक, तो 7 15 7 22 ऐसे नियम हो सकते हैं लग जाए कि 7 प्लस 15, और कुछ मन से उसने 22 होते हैं, उसमें मन से उसने 10 ऐड कर लिया हो तो हो सकते हैं 32 हो गए हों। तो क्या ये नियम इसमें भी लगेगा? यस का कितना होता है? 19 होता है। H का कितना होता है? 8 होता है। और E का कितना होता है? 5 होता है। तो 19, 8, 27, 27 और 5, 32, और 32 में उसने जब 10 मन से जोड़ा तो यहाँ होना चाहिए 42, जबकि यहाँ 49 लिखा है। ऐसा नियम उसने नहीं लगता है। अगला सब देखते हैं कोई और तरीका इसमें लग सकता है। तो हमने देखा कि G का उल्टा T होता है और O का उल्टा L होता है, तो T का होता है 20 और L का होता है 12। हमने दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया 32, यानी ये नियम तो सही है। फिर इसका अपोजिट, इसका अपोजिट H होता है, इसका अपोजिट S होता है, इसका अपोजिट V होता है। ठीक भाई, तो H का क्रमांकित मान है 8, S का है 19 और V का है 22। चलो भाई जोड़ लेते हैं सभी को, ऐड करो 9 2 11 8 19 2 1 3 और 3 1 हासिल 4, यानी ये भी सही है। तो अब इसका S का उल्टा H होगा, O का उल्टा L होगा, M का उल्टा N होगा और E का उल्टा V होगा। ठीक, H का क्रमांकित मान 8, L का 12, N का 14, B का 22। सभी को ऐड कर लो, 2 4 6 2 8 8 16 2 1 3 3 1 4 1 5, यानी 56 होने चाहिए। 56 है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, इसी प्रकार क्रमांकित मान जब तक नहीं याद होंगे तब तक सवाल नहीं लगेंगे, इसलिए आपको क्रमांकित मान हर हाल में याद ही करने हैं। अपोजिट के भी अपोजिट याद कर लेना, जैसे कुछ ट्रिक है हाई स्कूल, यानी एच का उल्टा यस, जी टी होता है, जी टी रोड होता है ना, जी का उल्टा टी, के पी होता है कानपुर वाला, ऐसे ऐसे सभी का ट्रिक बना के अपने हिसाब से याद करोगे, लगभग लगभग याद हो जाएंगे। चलो दूसरे सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल है कि विषम बताओ, ये 4 संख्याएं लिखी गई हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से सामान्य हैं जबकि 1 विषम है, विषम का चयन करना है। पहले भाज्य अभाज्य का नियम लगाते हैं, तो 3 9 1 10 10 8 18, 3 से ये भी कटेगा तो 3 से ये भी कटेगा, ये तो नियम लगेगा नहीं। 8 4 12 12 6 18, ये भी 18 हो रहा है, 6 6 12 और 3 15, ये भी हो रहा है, 9 7 16 5 21, यानी सब लगभग लगभग कट रहे हैं 3 से, तो ये तो कोई नियम लग नहीं सकता। फिर हमने देखा कि कोई और नियम लगेगा, वर्गमूल, वर्गमूल करके देखें, वर्गमूल देखो 8 का कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को उसने उल्टा करके लिखा है, 64 को उसने 46 लिख दिया है, सही है भाई। तो 9 का हमने किया, 9 का स्क्वायर 81, 81 को उसने क्या किया 18 लिख दिया है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, उसने कितना लिखा है 63 लिखा है। हमने देखा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होगा, और 49 को 94 लिखना चाहिए जबकि उसने 95 लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। चलो तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है सी के वी डी एल डब्ल्यू ई एम एक्स, अगला क्या आएगा? यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा,
ठीक, ऑप्शन दे रखा है एफ एन वाई एच एन जेड बी ओ आई एफ एल पी। ठीक है, हम क्रमांकिक मान बताए हैं, बार बार कह रहे हैं क्रमांकिक मान याद कर लो। जैसे सी का 3 होता है, डी का कितना होगा 4 होगा, ई का कितना होगा 5। तो हमें पता चला 3 से 1 बड़ा 4 हुआ, 4 से 1 बड़ा 5 हुआ। अब 5 के बाद 1 ऐड होगा तो यहाँ 6 होना चाहिए, 6 का क्रमांकिक मान एफ होता है, तो इसमें इसमें है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। हो सकता है ये वाला सही हो, ये वाला सही हो। इसके बाद के का पता चला 11 होता है, ठीक, एल का कितना होता है 12 होता है, एम का कितना होता है 13 होगा, तो यहाँ 11 12 13 अगला क्या होगा 14 होगा, और 14 पे कौन आता है, 14 पे कौन आएगा एन होगा, और एन इसमें आए तो ये तो तुरंत सही होगा, ये गलत होगा। लेकिन चलो अगला और लगा लेते हैं, वी का होता है 22, इसका डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, अगला 25 होगा, 25 पर कौन आएगा वाई होगा, एफ एन वाई ये आंसर होगा, इसलिए ये सही है। चलो चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, का 16 फिर 40 फिर अगली संख्या कौन सी आएगी, ऑप्शन दे रखा है 48 68 88 और 98। ठीक, चलो इसको देखते हैं भाई क्या नियम लगेगा, लगाओ 4 चौके 16, 16 चौके 64, ऐसा तो हो नहीं सकता, चलो अंतर पे देख के लगाएं। इसमें 12 का अंतर होगा, यानी 4 में 12 ऐड करें तो 16 हो जाएगा, 16 में कितना ऐड कर दें कि 24 हो जाएगा, 40 होगा, तो इसमें 24 ऐड कर दें। ठीक, हो सकता है 12 24, हो सकता है 36 ऐड करने पर बन जाए, क्योंकि 12 का टेबल चल रहा है 12 24 36, तो 36 से इसमें 76, यानी ऑप्शन में तो है नहीं, फिर ये 76 हो नहीं सकता, क्योंकि 40 और 36 कितना होता है 76 होता है, तो 76 तो ऑप्शन में है नहीं। फिर हो सकता है कि दुगना किया हो, 12 दुना 24, और 24 का भी दुगना किया हो, तो 24 का दुगना 48, अब इसमें 48 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 88 होगा, तो 88 देखो है ऑप्शन में, हाँ सही है, फिर ये चौथे का आंसर सी होगा भाई। चलो पाँचवें की तरफ चलते हैं, यदि यदि उसने कह रहा है करण के ए आर ए एन, करण को उसने 45 लिखा है तो अरुण को क्या लिखा, ए आर यू एन को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन है 54 56 41 और 42। ठीक है, क्या नियम लगेगा, क्रमांकिक मान से ही लगेगा, क्योंकि अंक आ रहा है तो क्रमांकिक मान से ही पता चलेगा। चलो देखते हैं के का कितना होता है क्रमांकिक मान, 11 प्लस ए का 1, आर का 19, आर का 18 होगा, और प्लस ए का 1 और प्लस 14। ठीक भाई, तो 18 4 22 1 23, 23 1 24, 18 12 24, 18 12 34, 34 1 35 1 36 और 11 45। सही है भाई, देखो 4 1 5 और 8 13, 1 14, 14 1 15 और 1 1 2, 2 1 3 और 1 हासिल 45। सही है भाई, तो इसका भी कर लेते हैं, 1 का 1, R का 18, U का 21 और N का 14, तो 14 1 15, 14 4 1 5 और 8 13, 13 1 14, 1 और 2 3, 3 1 4 और 1 हासिल 5, 54 होने चाहिए, ऑप्शन में हैं, हाँ पहला ऑप्शन है। कहीं भी क्रमांकिक मान जब तक नहीं याद होगा तब तक सवाल नहीं लगेगा, इसलिए लगभग लगभग क्रमांकिक मान याद करते चले, एक क्रमांकिक मान याद कर लो, एक अपोजिट याद कर लो, दो चीज़ याद कर लोगे सारी सीरीज लगने लगेंगी आराम से, कोई यार टफ चीज़ नहीं है, आराम से लगेगा। चलो छठवें सवाल की तरफ चलते हैं, छः नंबर सवाल है 40 12 30 22 34 16 40 10 38 20 43 क्या होगा, ऑप्शन है 11 5 9 7। ठीक है भाई, देखते हैं क्या नियम लगाएं, सभी को ऐड करके कुछ करते हैं तब तो होगा नहीं, 2 2 4 और 4 1 5 5 2 7 74, यानी 60 होता तब भी हो सकता था, कि हो सकता है हाफ किया हो, तो इसने हाफ किया नहीं है। देखो 40 और 12 को इसने ऐड करते हैं, 40 और प्लस 12 बराबर कितना होगा 72 होगा,
72, और 72 में 30 हमने माइनस किया, 30 माइनस किया तो हमें मिला 22, 40 30 62 होगा, सॉरी 40 30, ये देखो 40 और 12 52 होगा, 40 और 12 52, 52 में 30 कम किए 22 प्राप्त हो गया, यानी ये सीरीज बन गई। चलो इस पे देखते हैं, 34 और प्लस 16 34 16 कितना होगा, 50 होगा, और 50 में उसने 40 को कम कर दिया, ठीक भाई, यानी 40 को माइनस किया तो 10 मिला, हाँ भाई 10 मिल रहे हैं। तो यही नियम उसमें लगाएंगे, 28 और प्लस 20 कितना होगा, 48, और 48 में उसने 43 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 7, 5 मिलेगा भाई, ये आंसर आएगा, यहाँ 5 होनी चाहिए, 5 है ऑप्शन में, हाँ भाई बनता है इससे, कभी कभी इन तीनों का इससे बनता है, तो जैसे भी हो सकता है वैसे बना लेते हैं, उस समय जब एक एक करके सर्टिफाइड करके देखते रहेंगे तभी लगेगा, ठीक भाई। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, सातवां सवाल भाई, सातवां दे रखा है 20 16 33 22 क्वेश्चन मार्क 15 27 19 30, ठीक भाई, क्या होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो कि वर्गमूल और घनमूल का तो इसमें चक्कर है नहीं, तो वर्गमूल घनमूल दिमाग से हटा दें, यदि 20 40 का आधा करके करें तब भी नहीं होगा, इन दोनों का आधा करके करें तब भी नहीं होगा, फिर हम क्या करना है, सबको जोड़ कर देखते हैं, 2 और 7 9, 6 और 2 8, 2 2 4 और 2 6 69 हो गया, यदि इधर देखते हैं 5 3 8 3 9, 3 1 4 और 4 2 6, यानी 5 3 8 8 3 11 होता है, तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 71 हो जाएगा, ठीक, 3 1 4 4 2 6 और 1 हासिल 7, 71, तो यहाँ 69 यहाँ 71, ये वाली सीरीज लगेगी नहीं। फिर दूसरा नियम लगाएंगे हम, दूसरा नियम इधर से जोड़ कर देख लेते हैं, कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे ही बनी, लेफ्ट राइट में भी बनती है, तो 6 और 3 9, सही है भाई, 3 1 4 और 2 6 69, ये तो बन रहा है, यानी इधर भी 69 बन रहा था उधर भी बन रहा है, इसको देख लें, 7 और 9 16 16 3 19, 3 1 4 4 2 6, ये भी बन रहा है 69, यानी सभी का योगफल 69 होना चाहिए, तो 5 2 7 5 2 7 और 3 इधर हुआ 37, और टोटल 69 लाने हैं, तो हमने क्या किया, 69 में 37 हमें मिल चुका है, अब कितना मिलना चाहिए हमें, तो हम घटाए तो यहाँ देखिए 32, यानी 9 में 7 गए 2 और 6 में 3 गए 3, यानी 32 प्राप्त होने चाहिए, है ऑप्शन में, सही है भाई। चलो अगले सवाल पर, आठवें सवाल पर चलते हैं, आठवां सवाल है भाई, 90 80 120 5 4 6 7 6 10 25 क्वेश्चन मार्क 30, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ऑप्शन है आपके पास 55 25 26 और 23, लगाओ भाई, लगा सकते हो, कोई दिमाग लगाओ, बढ़िया सवाल है, CHSL में पूछता है सवाल, देखो भाई 9 8 17 17, यानी 170, चलो भाई देखते हैं, 170 में यदि 50 कम कर दें तो 120 मिल सकता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर कहाँ नियम लगेगा, 8 4 12 12 में 50 कम करोगे, नहीं लगेगा भाई, फिर क्या किए, गुणनखंड करके देख लो, 5 7 35, ये भी तो गुणनखंड होगा नहीं, फिर कुछ जोड़ कर कुछ घटा कर कर लो, 25 में देखो, हाँ मिल गया, 25 में हमने देखा कि 7 कम कर दो, ठीक, तो कितना मिला 18, और 18 को इस 5 वाले से गुणा कर दो, 18 5 90, फिर यही नियम इसमें भी देखो लगा लो, 30 और -10 कितना हुआ 20, और 20 को इस 6 से गुणा कर दो तो कितना होगा 120, यानी ये सीरीज बन रही है, ठीक भाई, क्या काम करें कि यहाँ पर चौके 80 हो जाए, तो यहाँ 20 होने चाहिए, 20 चौके 80 होता है, ठीक, तो 26 देखो, यहाँ 26 यदि हो, 26 में से हम 6 कम कर दें तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, और 20 को जब ये पुनः 4 से गुणा करेगा तब कितना होगा 80 होगा, 20 चौके
80, यानी आंसर पे हमें क्या लाना चाहिए, 26। यहाँ क्या होना चाहिए, 26 होने चाहिए ऑप्शन में, हाँ तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक भाई, चलो नौवें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है 5, 4, 141, 6, 2, 220, 7, 3 क्या होगा। देखो भाई, इसमें हमेशा जिस तरफ बड़ी संख्या होती है उधर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं, इधर ही हो जाएगा। हो सकता है उसने कुछ गुणनखंड किया हो, तो हम पहले गुणनखंड, क्योंकि इतनी तेज सीरीज बढ़ रही है तो यानी गुणनखंड ही हुआ होगा। पाँच चौके, जैसे हमने किया मन से कि 5 चौके 20 होगा, और 20 को पुनः उसने 7 से गुणा किया होगा तो 240 होगा, और प्लस 1 तो ये इतना लंबा जाएगा नहीं। 6 दूनी 12, 12 7 84, फिर ये तो बनेगा नहीं। फिर दूसरा कुछ स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर पे भी लग रहा है इतना तेज बढ़ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 16, ये तो बनेगा नहीं। फिर 5 का हमने किया क्यूब, देखो भाई 5 का क्यूब और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक, तो इसका कितना होगा 125 और प्लस 16 बराबर 141 हमें मिल गया। ठीक है भाई, दूसरा देखते हैं 6 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर, 6 का 36 2 16 और प्लस 4 बराबर 220, ठीक भाई ये भी बन गया। 7 का देखते हैं, यानी 7 का क्यूब करना है और प्लस 3 का स्क्वायर करना है, तब हमने देखा 343 और प्लस 3 त्रिक का 9 तो कितना होगा 352। 352 है ऑप्शन में, हाँ भाई, तो यहाँ क्या होगा 352 सही है भाई। लगातार स्क्वायर और क्यूब याद करते रहना भाई, कम से कम 20 तक तो याद ही कर लेना, 20 तक याद करे रहोगे लगभग लगेगा, 20 तक क्यूब और 20 तक स्क्वायर याद कर लो यार, बाद में जब इतना याद हो जाएगा बढ़ाते रहना धीरे धीरे, दो दो तीन तीन रोज याद करना, हो जाएगा कंप्लीट। चलो आज का लास्ट सवाल और अंतिम सवाल, 10वां सवाल चलते हैं भाई। 10वां सवाल है और लास्ट सवाल है भाई, कह रहा है त्रिभुजों की संख्या बताओ। ऑप्शन दे रखा है 32, 36 और 40, 38, ठीक, ये त्रिभुज दे रखे हैं। इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, एक आयत बना है उसमें त्रिभुजों की, वर्ग बना है उसमें, पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब ऐसे बैठकर एक एक गिनने में तो परेशानी होगी, इसलिए कुछ नियम हैं उनको याद कर लो। हमेशा जब त्रिभुज गिनने हैं सबका नंबरिंग कर दो, ठीक भाई। ये देखो 1 में 4 हुआ और 4 का हमेशा दुगना कर दो, 4 दुना 8, तो 8 तो सूखे सूखे मिल गए, इसमें 8, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, ठीक भाई, तो यानी 32 तो हमें तुरंत प्राप्त हो गए, ठीक। अब देखो जहाँ हमेशा दो कोण हमेशा जुड़ेंगे, यानी दो आयत जुड़ेंगे वहाँ दो होगा, एक ये वाला, देखो भाई एक ये वाला बन रहा है, ठीक, ये बड़ा वाला, ठीक, ऐसे एक ये बन रहा है, यहाँ से देख रहे हो ये वाला, एक ये वाला बन रहा है, ठीक, तो यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी जोड़ रहा है, एक यहाँ से भी बन जाएगा, देखो ये वाला यहाँ से और ये वाला यहाँ से, एक ऐसे आएगा, ठीक भाई, तो दो यहाँ मिले, दो यहाँ, यहाँ दो लिख दो, दो यहाँ लिख दो, दो यहाँ लिख दो, यानी 6 हमें और प्राप्त हो गए, ठीक। लेकिन अब जो मेन है, जो अब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमें गिनने हैं। देखो भाई एक यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक आओ, ठीक भाई, ये देखो बन रहे हैं ना, बन रहे हैं, तो एक ये मिला, ठीक, एक इधर का, जब एक इधर को बना है तो एक इधर को भी बनेगा, ये देखो भाई कहाँ से बन रहा है, एक यहाँ से बन रहा है, देखो इधर को ले आओ, यहाँ तक चले जाओ ऐसे, और एक ये ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ, देखो दो ये बन गए, तो प्लस 2 और बन जाएंगे, तो 32, 6, 38, 38, 2, 40 है भाई ऑप्शन में, सही है भाई ये वाला। ऐसे जब नियम, यानी 1, 2, 3 सबका नंबरिंग कर दिया करो, और नंबरिंग के बाद दुगना कर दो, 4 दुना 8, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें हुए, 8 इसमें, लेकिन जहाँ पर दो वर्ग किसी को जोड़ते हैं वहाँ पर बताए ना कि ये बार बार गिनने नहीं पड़ेंगे, जैसे ये देखो अभी बताए ना आपको गिनकर कि ये बन रहे हैं, लेकिन ये गिनने को नहीं पड़ेंगे, बार बार आसानी हो जाएगी, तो दो यहाँ मिले, दो यहाँ मिले, दो यहाँ मिले, 6 यहाँ टोटल हो गए, ठीक। अब जो बड़ा वाला था हमने आपको बताया यहाँ से बन रहा था, एक यहाँ से बन रहा था, तो 32 और 2, 32 2 34 और 6 40 ये आंसर हुआ, ठीक भाई। अगले वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे, तब तक